हाँ जी, अब देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो रिटायरमेंट में, अभी पहले आप सिंपली समझ लीजिए कि रिटायरमेंट में क्या होता है, अगर कोई पार्टनर फॉर्म को छोड़ के चला जाता है ड्यू टू एनी रीजन, उसकी हेल्थ अलाउ नहीं करती या ओवर एज हो गया है, ठीक है ना, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है उसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। तो सबसे पहले चेंज इन पीएसआर आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे टाइप वन, इसमें दो ही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2, 1:2/5 एंड 4:10। तो ओल्ड पीएसआर है इसके अंदर 5:4:1, कहता फाइंड दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ सी रिटायर। सी ने फॉर्म छोड़ दी है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, सी का शेयर हटा दो, सिंपली 5:4, सिंपली 5:4। ये है क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन नंबर थ्री का जो ए पार्ट है वो भी इसी पे बेस्ड है, नहीं वो सॉरी बी पार्ट है, बी पार्ट। कहता पी क्यू आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। जो पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है 5:4:1, पी ने फॉर्म छोड़ दी, पी ने फॉर्म छोड़ दी, तो जो ये थी ओल्ड पीएसआर, तो एनपीएसआर क्या हो जाएगी, दैट इज 4:1 बिटवीन क्यू एंड आर, बिटवीन क्यू एंड आर, ठीक है जी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, कहता है एक्स वाई जेड, एक्स इज टू वाई इज टू जेड का रेशियो दे रखा है 5:3:2, ठीक है जी। वाई ने फॉर्म छोड़ दी तो एक्स और जेड का रेशियो कितना रह गया 5:2, एक्स जेड का रेशियो कितना रहेगा 5:2, ठीक है जी। अब कहता है गेनिंग रेशियो निकालो। अब होता क्या है, जब कोई पुराना कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जाता है तो बाकियों के शेयर इंक्रीज हो जाते हैं। एडमिशन में क्या होता था, जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में एंटर होता था तो बाकी पार्टनर के शेयर कम हो जाते थे। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो ऑब्वियस है बाकियों के शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो गेनिंग रेशियो होती है दैट इज रिवर्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होगी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक्स को गेन कितना हुआ 5/7, वाइज गेन, पहले ओल्ड रेशियो लिख, न्यू रेशियो लिख ली, फिर ओल्ड रेशियो माइनस कर ली, ठीक है जी। तो गेनिंग रेशियो हो गई 15:6, वही 5:2। देखो इनकी पहले भी आपस में 5:3 थी, आज भी 5:2 है, तो गेनिंग रेशियो भी कितनी हो जाएगी 5:2, ठीक है जी। ये है टाइप वन के क्वेश्चन जो हमने भी आपको करवा दिए हैं, प्रो नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ध्यान से देख लीजिए, बड़ा सिंपल है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1, सी ने फॉर्म छोड़ दी तो जो बचेगा वो एनपीएसआर हो जाएगा। इसमें क्यू ने फॉर्म छोड़ दी, बी ने फॉर्म छोड़ दी, क्यू आर
बचेगा वही न्यू रेशियो हो जाएगा। इसमें एक नई चीज और हमने देखी कि वाई ने फर्म छोड़ दिया, न्यू रेशियो होगी 5:2। जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ जाता है बाकी पार्टनर को गेन होता है, तो गेनिंग रेशियो होती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, तो हम करेंगे टाइप टू। टाइप टू अब करेंगे टाइप टू चेंज इन पीएसआर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:5, 1:3, 7:15। सोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय राम एंड मोहन इन द रेशियो 3:2। देखो जी, तो पहले तो समझो, राम इज टू मोहन इज टू सोहन, राम इज टू मोहन इज टू सोहन, रेशियो है 3:15, 3:5:7। ठीक है जी, फॉर्म छोड़ रहा है सोहन, फॉर्म छोड़ रहा है सोहन। अच्छा जी, तो जो उसका शेयर है 7:15 का, वो इन्होंने बांट लिया आपस में 3:2 में, यानी राम्स गेन 7:15 का 3:5 पार्ट ले गया, मोहन्स गेन 7:15 का 2:5, 14:75। अच्छा जी, देखो राम्स न्यू रेशियो, उसके पास 3:15 पहले था, 21:75 और जुड़ गया, देखो मोहन्स न्यू रेशियो 14:75, ये कैसे 39, और टोटल करा करो 1 आना चाहिए, जोड़ो 36/75 और 39/75, एनपीएसआर आ गया 36:30। और जो गेनिंग रेशियो है ध्यान से देखो, जो गेनिंग रेशियो है जो इनको एक्स्ट्रा मिला है वो इनके लिए गेन है, वही 3:2 हो जाएगा, वही कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर टू। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इसी टाइप पे भेजना, सेकंड टाइप के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू।
क्वेश्चन नंबर थ्री, शिव मोहन एंड हरि आर पार्टनर्स, मोहन रिटायर एंड हिज शेयर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन, फर्म कौन छोड़ गया? मोहन, शिव इस टू मोहन इस टू हरि, इनका रेशियो है 5:5:4, फर्म कौन छोड़ गया? मोहन, मोहन ने फर्म छोड़ दिया, ठीक है जी। शिव्स न्यू रेशियो 5, उसके पास इतना पहले है और मोहन का जितना है उसका हाफ इसको मिल गया, शिव के बाद हरीज न्यू रेशियो। के पास कितना है? 4/14, उसे भी मोहन का शेयर का हाफ मिल गया, तो 4/14 तो ओरिजिनली है ही है, 5/28 ऐड हो गया, लो जी कितना हो गया 13/20, इस केस में NPSR हो गया 15:13, और गेनिंग रेशियो जो उन्हें अलग से मिला है वो बराबर ही रहेगा, जो मिलता है जैसे कि 5/28 इसको मिला, 5/28 इसको मिला, तो गेनिंग रेशियो इक्वल हो जाएगी, गिवन रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। Pause the video and copy down. Pause the video and copy. करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2, ए इज टू बी इज टू टू, 4:3:2, ठीक है जी। फर्म छोड़ गया बी, सॉरी फर्म छोड़ गया ए, उसका शेयर बट गया 2:1 में, तो बीज न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? उसके पास 3/9 तो पहले ही है, प्लस 4/9 का 2/3 मिल गया उसे, कितना होगा 17/27। बी के पास सीज न्यू रेशियो, उसके पास 2/9 है, उसे ए के पार्ट का 1/3 मिल गया, टेन बाय 27 NPSR 17:10, ठीक है जी। और गेनिंग रेशियो हो गया जो उन्हें मिला है 2:1 में, 8:4 की रेशियो में आ जाएगा गेन, क्योंकि 8/27 इसको मिला, 4 वही जो दे रहा होता है ना वही गेनिंग रेशियो होता है 2:1, नहीं तो फॉर्मूला अगर लगा लें जैसे कि बीज गेनिंग रेशियो, बीज गेन वही न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो में 17/27 है, पहले कितना था 3/9, एट बाय 27।
ध्यान से देखो, वही आएगा जब भी कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ जाता है बाकियों को गेन हो जाता है, 2:1। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5। कंगली मंगली सनुली पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 4:3:2। कंगली ने के ने फॉर्म छोड़ दी है और उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3। ठीक है ना। KA:S कंगली मंगली सनुली 4:3:2 दैट इज ओल्ड PSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। फिर MNS का जो न्यू रेशियो दिया गया है कितना दिया गया, 5:3। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयरफॉर मंगली गेन न्यू रेशियो है 5:8, पहले थी 3:9। Therefore, Sunli's gain पहले रेशियो थी 3:8, अब होगी सॉरी अब न्यू रेशियो है 3:8 और पहले थी 2:9। Therefore, gaining ratio ठीक है जी। ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। X, Y और Z are partners. Calculate the gaining ratio when Y retire from the firm. 5:3:2. X:Y ये हो गया 5:3:2। फर्म कौन छोड़ गया, Y। X और Z की रेशियो हो गई 5:2। ये होगी न्यू, ये थी ओल्ड भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Therefore, X gain आज रेशियो है 5:7, पहले थी 5:10। Therefore, Y gain Z gain होगा
देखो गियरिंग रेशियो फाइव इज टू कॉपी कर लो। डब्ल्यू एक्स वाई जेड चार पार्टनर है, वाई ने फॉर्म छोड़ दिया है, बाद में उनकी रेशियो इक्वल होगी। इधर देखो डब्ल्यू इज टू एक्स इज टू वाई इज टू जेड, रेशियो है 2/6 1/6 2/6 2:1:2:1। फॉर्म छोड़ गया है वाई, फॉर्म छोड़ गया वाई, तो रेशियो होगी डब्ल्यू इज टू एक्स इज टू जेड 1:1:1। देखो डब्ल्यू इज गेन, न्यू रेशियो 1/3 पहले थी 2/6, कोई गेन नहीं हुआ उससे। उसके बाद एक्स गेन, अब है 1/3 पहले थी 1/6, इसका गेन हो गया 1:6। जेड गेन पहले थी 1/6 अब होगी 1/3, सॉरी अब है 1/3 पहले थी 1/6, इसका गेन भी कितना हो गया 1/6। तो गेनिंग रेशियो सिर्फ आएगी x इज टू z की 1:1:1। ठीक है जी, गॉट इट। सेवंथ का ए पार्ट, ऐसे ही सेवंथ का बी पार्ट। देखो जी ए बी सी, ए इज टू बी इज टू सी, रेशियो क्या दे रखी है 4:3:2, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्म छोड़ गया सी, तो एज न्यू रेशियो उसके पास 4/9 पहले से है, तो सी ने टू प्लस सी ने जो 2/9 छोड़ी है उसका मिला है उसे 4/5। ठीक है जी, ऐसे बीज न्यू रेशियो उसे भी बी की न्यू रेशियो हो जाएगी, उसके पास 3/9 पहले, 2/9 किसकी थी सी की, उसका उसे कितना मिलेगा एक मिनट 4/9 लिया उसने, सॉरी गलती हो गई
37 by 81. Therefore, NPSR हो गया 44:37. चेक कर लिया करो, वन आना चाहिए, इसको इसको जोड़ोगे वन आ जाएगा. और गेनिंग रेशियो हो गया 8:10. लो नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. ठीक है जी, सेवेंथ के बाद एट. क्वेश्चन नंबर एट, सीता गीता एंड मीठा पर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:6:7. गीता ने फर्म छोड़ दिया है एंड हिज शेयर हर शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन सीता एंड गीता. सीता इज टू गीता इज टू मीठा 7:6:7. ठीक है जी, गीता ने फॉर्म छोड़ दिया. सीताज न्यू रेशियो, सीता की न्यू रेशियो क्या होगी, जो उसके पास पहले है प्लस गीता का जो हिस्सा है उसका हाफ मिल रहा है उसको, यानी 7/20 प्लस एक बार ना ऐसे ही मल्टीप्लाई करके करा करो जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए. 20/40 ऐसे गीता मीताज न्यू रेशियो. सेवन बाय ट्वेंटी उसमें गीता के शेयर का आधा हिस्सा जुड़ जाएगा, ये भी कितना होगा 20:40. तो इनकी नई रेशियो हो गई 20:20 यानी 1:1. और गेनिंग रेशियो जो इनको मिला है वो भी इक्वली मिला है, 6/40 इसको मिला है, 6/40 इसको मिला, यानी 6:6, 1:2. ठीक है जी, टाइप टू पे ही है ज्यादातर बेस क्वेश्चन. ठीक है ना, ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, आर एस एम रेशियो है 2:2:1. फॉर्म छोड़ दी है एम ने और उसका शेयर आर एन एस ने बांट लिया 1:2 में. एम ने फॉर्म छोड़ दिया, आर न्यू रेशियो, आर के पास अपना ओरिजिनल 2/5 तो है ही है, एम का जो 1/5 है उसका कितना हिस्सा लिया उसने 1:2 में, 1/3.
therefore S new ratio. वन बाय फाइव उसने लिया उसका टू थर्ड NPSR हो गया 7:8 इन गेनिंग रेशियो जो उनको मिला है इसको मिला है 1/15 इसको मिला 2/15 तो यही इनका गेन यही इनका क्या है गेन ठीक है जी पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तब लगाते हैं जब स्पेसिफिकली न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो अलग अलग दे रखी हूं इसमें तो सीधा नजर ही आ रहा है कि इतना शेयर दे दिया मिल गया एस को इतना मिल गया एस को ठीक है जी A is to B is to C is to D. Five is to three is to two is to two. Form किसने छोड़ दी है? B and C retire from the form. B and C ने form छोड़ दिया. अब A बचा. A is new ratio. के पास 5/10 है पहले ऐसे डीज न्यू रेशियो दैट इज 2/10 जो बी का शेयर है वो किसको मिल गया डी को और सी का शेयर ए को मिल गया सी का शेयर कितना है 2/10 ये मिल गया ए को और डी का नया शेयर डी को किसका शेयर मिल गया बी का बी के पास कितना था 3/10 यानी ये हो गया और ये 12 है ये हो गई न्यू रेशियो NPSR 7:5 और नंबर 10 भी होगा गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 2/12 उसको मिला है और 3/12 उसको मिला है इसको मिला है 2/12 उसको मिला 3/12 तो गेनिंग रेशियो भी लिख दी जाएगी साथ में 2:3 ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया क्वेश्चन नंबर 11 ए इज टू बी इज टू सी ठीक है जी फॉर्म बी ने छोड़ दी है उसका शेयर बांट लिया है इक्वली ए एंड सी ने
तो एज न्यू रेशियो ध्यान से देखो, ए के पास ऑलरेडी 8/15 है और बी का शेयर है 4/15 का, उसका आधा पार्ट इसको मिल गया। 8/15 4/30 यानी कि 20/30 हो गया। ऐसे बी सीज न्यू रेशियो, सी के पास 3/15 पहले है और उसे 4/15 का उसे भी आधा मिल गया। ये हो गया 10/30, 20:10 यानी 2:1। एंड गेनिंग रेशियो 4/30 ठीक है जी। अब 12th क्वेश्चन अगर कर लें तो उसमें तो सारे केसेस एक बार कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए इज टू बी इज टू सी, बी ने फर्म छोड़ दिया, ठीक है जी, बी ने फर्म छोड़ दिया। इफ बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन ओरिजिनल रेशियो ऑफ ए एंड सी, ठीक है जी। पहला केस एज न्यू रेशियो, उसके पास 4/9 है, 3/9 का, इनकी आपस की रेशियो कितनी है 4:2, 2:1 यानी 2/3 पार्ट इसे मिल गया। ऑब्वियस है उसकी ओरिजिनल कितनी है 2/9, उसे भी 3/9 का कितना मिल गया 1/3। ठीक है जी, नाइन बाय 27 यानी NPSR आ गया 18:9, 2:1 और गेनिंग रेशियो जो उनको मिला है, इसको मिला 6/27, इसको मिला 3/27 यानी ये भी कितना हो गया 2:1। ये हो गया केस वन। सेकंड, इक्वल प्रोपोर्शन में दिया, एज न्यू रेशियो 4/9 है, 3/9 का आधा मिल गया। बी इज न्यू रेशियो, बी की रेशियो 2/9, टोटल करा करो 1 आना चाहिए। देखो 11/18, 7/18 तो ये आ गई आपकी NPSR 11:7 एंड गेनिंग रेशियो ऑब्वियस है इक्वली आएगी। ये हमने सेकंड पार्ट कर दिया। थर्ड पार्ट में कहता है कि 3:1 में बांटा है, एज
लो जी, ए के पास कितना है? 4/9, उसे मिलेगा 3/9 का 3/4, उसके पास 2/9 है, तो 3/9 का 1/4, 20 न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो वही 3:1। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। फोर्थ पार्ट में कहता बी ने अपना शेयर सिर्फ किसको दिया है? ए को। इसके पास कितना था? बी के पास 3/9, इसका हो गया 7/9, ये तो 2/9 है ही। NPSR हो गया 7:2, 7:2। देखो चार केस कर लिए, कितने अच्छे से आपको और क्लियरिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 13, फाइव इज टू 3:2। सी ने फॉर्म छोड़ दिया, सारा शेयर ए को मिला है। जैसे ए इज टू बी इज टू सी, 5:3:2, ए इज न्यू रेशियो 5/10, उसमें सी का सारा शेयर जुड़ जाएगा 2/10, कितना हो गया 7/10। एंड बीज न्यू रेशियो दैट इज 3/10। NPSR कितना हो गया? 7:3, 7:3। क्वेश्चन 14 में दो क्वेश्चन है, से नोट कर लो पहले।
क्वेश्चन नंबर 40। ए इज टू बी इज टू सी, रेशियो है 5:3:2, ठीक है जी। फॉर्म छोड़ गया बी, फॉर्म छोड़ गया बी, उसका शेयर बांट दिया ए एंड सी में 2:1 में, देयरफॉर ए इज न्यू रेशियो। फाइव बाय टेन है, बी का शेयर है 3/10, 3/10 का 2/3 ले लिया उसने, ठीक है जी। ऐसे सी इज न्यू रेशियो, के पास 2/10 है, उसे 3/10 का 1/3 मिल जाए, ये हो गया 9/30। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी 21:9, अब ये तो हो गया, डी आ गया 25% शेयर के लिए, एडमिशन हुआ डी शेयर इज इक्वल टू 25%, इट मीन्स 1/4, इस 1/4 का हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए, ठीक है, गिफ्टेड बाय ए 1/4 का 1/2, 1/8, ये तो ए ने दे दिया, तो 1/4 में से 1/8 ए ने दे दिया, तो कितना बचा, दैट इज आल्सो 1/8, सो रिमेनिंग गिवन बाय ए एंड बी, 1/8 का आधा आधा दिया, 1/8 का हाफ ऑफ, वन बाय सिक्सटीन, वन बाय सिक्सटीन, लो जी एज न्यू रेशियो, एक के पास है 7/10, एक बार पहले उसने 1/8 दिया, फिर बाद में 1/16 दिया, तो 7/10 माइनस 3/16, बीज न्यू सीज न्यू रेशियो, सीज न्यू रेशियो उसके पास 3/10 है, उसने सिर्फ दिया है 1/16, यानी 38/16, डीज न्यू रेशियो 1/4 का 80/80 नहीं 4/40/40 कर दो, कितना होगा 40/160, तो एनपीएस आर आया 41/19/20, ठीक है जी। Pause the video and copy the answer. ठीक है जी।
लो जी अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्टेप वन इफ ओल्ड गुडविल, इफ गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, then write off goodwill by distributing in all partners. Retiring part in old profit sharing ratio, ठीक है जी, OPSR। अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नाम की कोई एसेट अपियर कर रही है तो जो बंदा फॉर्म छोड़ के जा रहा है जाते समय उस गुडविल को राइट अप कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? राइट अप कर दिया जाएगा। स्टेप टू, अब नया पार्टनर जा रहा है फॉर्म छोड़ के, सॉरी एक पुराना पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो उसे अपने गुडविल में हिस्सा चाहिए, गुडविल में इतना हिस्सा चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि एक एंट्री बनाई जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं और रिमेनिंग को डेबिट कर देते हैं, रिमेनिंग, ठीक है जी, इन गेनिंग रेशियो, ठीक है जी। यही होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसे नोट कर लो, अभी जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे एडमिशन के सामने तो सिर्फ 50%, अगर एडमिशन आपको अच्छे से आता है तो रिटायरमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, ये मेन ट्रांजेक्शन है जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। लो जी, एल एम एन ओ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, एम रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000, कैलकुलेट एम शेयर्स ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, एल एंड ओ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:2। तो गुडविल है 72,000, ठीक है जी, ओ शेयर फर्म को कौन छोड़कर जा रहा है, एम, एम शेयर ऑफ गुडविल, सेवेंटी टू थाउजेंड का 3/9, ठीक है जी, 72,000 का 3/9, अच्छा जी, ओल्ड पीएसआर दे रखी है 4:3:2, इसकी एल इज टू एम इज टू एन, एल एम ओ सॉरी, अब एल एन ओ की न्यू रेशियो दे रखी है 5:3,
तो एल्स गेन 5 बाय ओज गेन 3 बाय 8 तो गेनिंग रेशियो आ गई 13:11। ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। ठीक है जी, 24,000 जी, 13,011। ठीक है जी, ये होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है जी, pause the video and copy the answer. P is to Q is to R, firm छोड़ गया Q. Goodwill कितनी दे रखी है, 40,000। Therefore, Q share of goodwill 10,000। ठीक है जी, Q share of goodwill 10। P is capital account debit. आर्स कैपिटल अकाउंट है टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब क्यों फर्म छोड़ के जा रहा है, मेरे को तो 10,000 रुपये दो। अब उसके लिए गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, फीस गेन पहले, अब हो गया 1/2 आर्स गेन, इसका भी हो गया 1/2, पहले था 1/4 और इसका था 2/4 और इसका था 1/4। ठीक है जी, पी को तो कोई गेन हुआ ही नहीं, इसको गेन हुआ है, तो सारे की सारी गुडविल का पैसा कौन देगा, आर देगा, कौन देगा। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। देखो वीडियो पॉज कर लिया करो और उसके बाद उसको उतार दो। ए इज टू बी इज टू सी, फॉर्म छोड़ गया बी, ए टू सी कितना हो गया जी,
5:3 is gain as he sees gain. 3/8 गुडविल है 10,800, बी को उसका शेयर मिलना ही मिलना है, बी शेयर 10,800 का 3/9 दैट इज 3600, दैट इज 3600। तो हर हालत में सी को, ए और सी को उसको देना पड़ेगा। ठीक है जी, गेनिंग रेशियो 13:11 1950 1650। अब करेंगे 18 3:2, 2:1 हो गया, 4:3:2 A:B:C की फर्म छोड़ गया सी, सॉरी फर्म छोड़ गया बी, रेशियो इनकी 5:3 देयरफॉर ए इज गेन न्यू रेशियो 139,200, जबकि पेमेंट कितनी हो रही है उसको 1,50,000, यानी उसको एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वही गुडविल है, वही क्या है गुडविल है 10,800 गेनिंग रेशियो 13:11
का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। जैसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा वैसे ही बनना है। ए एन बी एन सी 2:2:1। बी डिसाइड्स टू रिटायर, ठीक है। क्रेडिटर 70, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट मशीनरी 40, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स डेट वर सब दी। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20%, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%, टू डेप्रिशिएट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, डेटर्स हैं आपके 5% हो गए 1,000। डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स, ठीक है ना। डाउटफुल डेट, डेटर कम हो रहे हैं यानी लॉस हो रहा है। रॉ मटेरियल वैल्यू हो गया 18, अब वो पहले कितने का था 20, अब हो गया 18। एसेट्स घट रही हैं तो लॉस होता है टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है जी। फिनिश गुड्स 35 की होगी, पहले कितने की है 30 की, 5,000 रुपये का गेन हो गया बाय फिनिश गुड्स 5,000 रुपये। ओल्ड कंप्यूटर रिटर्न ऑफ सोल्ड 2000 एज स्क्रैप, गेन हो गया ये बाय कंप्यूटर 2,000 रुपये मिल गए। फर्म पेड 5,000 टू इंजर्ड एम्प्लॉय टू वर्कमैन कंपनसेशन 5,000, 27,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी रेशियो है 2:2:1। ठीक है जी। जनरल एंट्री कैसे बनेगी, जो डेबिट है डेबिट में दिखा दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू वर्कमैन कंपनसेशन
ऐसे ही फाइनली प्रॉफिट हुआ बांट दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल दैट इज 15,000, 6,000, 6,000, 3,000 ठीक है जी। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। लो जी अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सेम लेवल का क्वेश्चन है। फर्नीचर इंक्रीज बाय 12,000 बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है जी। स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 10,000 टू स्टॉक अकाउंट 10,000। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 डेप्रिशिएट बाय 10%। का 10% हो गया 5,000। डाउटफुल डेप्स 2,000। ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट गेन हो गया 10,000। क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल को नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड बाय बिल्स पेबल। X Y Z 5:3:2 ठीक है जी। क्या
pause the video and copy the answer. ये था क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, रमेश वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, द गेन प्रॉफिट ऑन द रिवेल्यूशन ऑन द डेट वॉज 12,000। रमेश ने फर्म छोड़ दिया है। मोहन एंड राहुल वॉन्ट्स टू शेयर देर इन देर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। कहते हैं मोहन एंड राहुल कहते हैं हम तो शेयर करना चाहिए 3:2 में, पर रमेश वॉन्ट्स टू बी शेयर इक्वली। अब देखो, जब भी रिवेल्यूशन किसके लिए बनाया हमने, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो देखते हैं इतने सालों में जो एसेट में बढ़ा हुआ है या कुछ वैल्यू में डिक्लाइन आया, तो मैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस को पहले से बियर करके जाऊँ। तो जब भी रिवेल्यूशन का प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ आएगा वो सब में बटेगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को भी उसका हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो शेयर मिलेगा, लॉस होगा तो बियर करके जाएगा। तो इसको इक्वली ही बांटना पड़ेगा, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट दे देना नीचे, गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू रमेश। ट्रांजेक्शन बना सकते हो, ये था क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। अब जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होता है, ये अगर आइटम अपीयर कर रही है, आइटम अपीयरिंग ऑन नोट बैलेंस शीट, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग आइटम, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग इन ओल्ड पीएसआर। वही जो हमने पढ़ा था एडमिशन में, अगर पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पढ़ा हुआ, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो डेबिट है चाहे वो क्रेडिट है, ठीक है जी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट,
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मली ये चीजें तो आपको बार बार मिल जाएंगी, ठीक है ना, ये चीजें कभी कभार दी होती है, तो इसको राइट अप कर देंगे, बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में इंक्लूडिंग रिटायरिंग इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 इसी पे बेस्ड है, करते हैं। कॉपी कर लीजिए इसे, क्वेश्चन नंबर 23। अगर जनरल जो पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ, डेबिट वाला, वर्कमैन कंपनसेशन पढ़ा हुआ, हाँ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का ही होता है, तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे बांट नहीं सकते, वो एम्प्लॉयज को मिलना होता है। तो पहले सबसे पहले जनरल रिजर्व है, बांट दो पार्टनर्स में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट, 1,80,000, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लॉस वाला है तो इसमें कैपिटल कम हो जाएंगे, कैपिटल में डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीस हजार, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं नॉट रिक्वायर्ड, इसको भी बांट देंगे, ये कैपिटल के को इंक्रीज कर देगा, लाइबिलिटी या लाइबिलिटी खत्म करेंगे, वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, देखो
पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रही है 80,000, उसको बांट देंगे, ठीक है जी। एसेट्स कम होंगी तो कैपिटल कम हो जाती है। आशा नवीन शालिनी, आशा नवीन शालिनी, अस्सी हजार बांट देंगे। जनरल रिजर्व को बांट देंगे। ठीक है जी। और कहता फर्म गुडविल हो गया 120, 120 के हिसाब से फर्म कौन छोड़ के जा रहा है? नवीन, नवीन को मिलना चाहिए 3/10 36,000। तो आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू नवीन कैपिटल अकाउंट, दैट इज व्हाट उसको मिलना चाहिए 36,000। गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो 2/5, 3/5, इसमें क्या होगा? आशा देगी पूरे 36,000, एक मिनट, इसको भी मिलेगा। कौन है ये? आशा, दोनों को शालिनी देगी, शालिनी को गेन हुआ सारा, टू आशा क्या बोलेगा कितना जी? 1/10, इसको 12,000 देने पड़ेंगे, तो 48,000। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, ठीक है जी।